धरती पर कहर की टूटने वाली बीमारियों और महामारियों का इलाज इस धरती पर ढूंढ निकाला गया है। धरती पर दूर दूर तक फैले जंगलों में कुछ ऐसा भी मिलता है जिसे हम अमृत कह सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी ढेरों वनस्पतियों को अमृत की संज्ञा दी गई है। ये वो वनस्पतियां हैं जो न सिर्फ लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन का वरदान देती हैं, बल्कि भयानक रोगों से भी रक्षा कर सकती हैं। जैसे आंवला, गिलोय, तुलसी। कहते हैं कि आंवला के पौधों का जन्म ही धरती पर गिरे अमृत से हुआ था, इसीलिए इसे धरती पर साक्षात अमृत कहा जा सकता है। दरअसल आंवला एक ऐसा रसायन भी है जिसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर चमत्कारी असर देखा जाता है। आंवला नियमित रूप से खाने वाला व्यक्ति कई बीमारियों से दूर रहता है। आंवला हर रूप में फायदेमंद होता है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है या जूस निकालकर भी। आंवला एक लौता फल है जिसे गर्म करने पर भी उसके विटामिन नष्ट नहीं होते। भारत में खरपतवार की तरह जगह जगह उगने वाली गिलोय की लताओं में जो गुण होते हैं उनके चलते इसे अमृता कहा जाता है। अमृता यानी अमृत जैसे गुणों वाला। गिलोय का तना, पत्तियां और जड़ें सब कुछ इंसान के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। गिलोय के पत्तों और तने का रस पीने से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होता है, साथ ही ये संक्रामक बीमारियों से भी रक्षा करता है। तुलसी का पौधा भारत में हर घर में पाया जाता है। इसे साक्षात देवी का रूप मानते हैं और लोग इसकी पूजा करते हैं। तुलसी के पत्तों के औषधीय गुण किसी चमत्कार से कम नहीं। इस तरह गंगा जल को भी अमृत की संज्ञा दी जाती है। गंगा के पानी में अमृतत्व के जो गुण पाए जाते हैं वो किसी रहस्य से कम नहीं। प्राचीन काल में अमृत होता था या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि आज के समय में अमृत के गुणों वाली ढेरों चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं। ये हम पर है कि हम उन्हें कैसे ग्रहण करते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं। तो आखिर भयंकर और भयावह रूप ले चुकी बीमारियों से कैसे करें अपना बचाव, कैसे करें इम्यून सिस्टम को मजबूत ताकि हार जाए हर बीमारी, हर महामारी। देखिए, आंवले, गिलोय, हल्दी, काली मिर्च, अदरक और तुलसी का नियमित प्रयोग करें। रोज एक आंवला खाएं, इससे इम्यून सिस्टम बेहतर से बेहतर होगा। गिलोय शरीर को न सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट को भी बाहर निकालता है। हल्दी के साथ काली मिर्च को मिलाकर लें, इसका असर बहुत प्रभावशाली होता है। इन दोनों के मिलने से ये ताकतवर जीवाणु रोधी बन जाते हैं। इनके अलावा तुलसी और अदरक की चाय पिएं। दिन में 2 से 3 बार अदरक, तुलसी और शहद का काढ़ा पिएं। रात को हल्दी मिलाकर दूध का सेवन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इन सब चीजों का उचित मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल कर आप किसी भी रोगाणु और विषाणु को दूर भगा सकते हैं और बढ़ाते हैं अपनी शारीरिक क्षमता, जो रोगों के प्रहार से आपके शरीर को सुरक्षित कर सकती है। गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए आप अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं।